चुनाव के नतीजे भी लगभग सामने आ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, मुझे तो आज लगता है कि अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अब मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर तो कांग्रेस 70 सीट पे आ गई और बीजेपी 10 सीट पे, और जैसे ही मशीन खुला, ईवीएम खुला, बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा तो कांग्रेस 70 सीट, और बिहार में भी आप लोकसभा का देखिए बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है, ईवीएम में कैसे वो जीत जाए? दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने कोई अपडेट नहीं किया, भर दिन में कोई अपडेट नहीं किया, कोई अपडेट नहीं किया। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे, अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए, और जिस तरीके से हरियाणा में जाटों का वोट बंटवारा ओम प्रकाश चौटाला अब है, और 80-80 का वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों में हुआ, जिसका नतीजा मिला कि आज बीजेपी कुछ आंशिक चीजों से जीती, लेकिन इतने दिनों तक जम्मू कश्मीर, अगले बार अयोध्या में बीजेपी हारी थी और इस बार वैष्णो देवी में बीजेपी हारी, वहां कांग्रेस जीती। आप सोचिए बीजेपी कहां है, ना वैष्णो देवी ना अयोध्या, बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है, वोट के बंटवारे में है और मैनिपुलेशन में। क्या ये ईवीएम मशीन गड़बड़ था या फर्जी? भैया मैंने तो कहा बैलेट पेपर में 70, ईवीएम में कहा, देख लीजिए, और वोट का बंटवारा, विपक्ष का अहंकार जाता नहीं है, और कांग्रेस को निर्णय लेने में देरी नहीं करने का मैं आग्रह करूंगा, और मेरा आग्रह है कि कांग्रेस को अविलंब अपनी नीति बदलनी चाहिए, बिहार और देश कांग्रेस को देखेंगे।